एवरीवन, तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद स्ट्रीट शॉपिंग के लिए बांद्रा हिल रोड मार्केट जा रही हूँ, तो बस उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। तो सोचा एक छोटा सा गेट रेडी विद मी भी बना लूँ, स्टार्टिंग विद हेयर केयर। हेयर वॉश के बाद मैं बालों को नेचुरली ड्राई होने देती हूँ और हीट अप्लाइंस का यूज़ कम करती हूँ। समर्स में बाल काफ़ी फ्रीजी हो जाते हैं, तो एक अच्छे सिरम से बालों के मॉइस्चर को लॉक करना ज़रूरी है। आजकल इतनी गर्मी है ना यहाँ कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, बट काफ़ी टाइम से मुझे शॉपिंग के लिए जाना था तो सोचा इवनिंग में जाना ज़्यादा बेटर है। जब मुझे बाहर जाना होता है तो मैं अपने स्किन केयर में सिरम ऐड नहीं करती, टोनर मॉइस्चराइज़र से अपने स्किन के मॉइस्चर को लॉक करती हूँ और SPF से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करती हूँ सन डैमेज से। स्किन केयर एसेंशियल्स में बॉडी लोशन प्लेज अ मेजर रोल। ये आपके बॉडी के मॉइस्चर को लॉक करता है, नरिश करता है एंड सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। यहाँ इतनी गर्मी है और फैन ऑन है, तो उससे ऑलमोस्ट मेरे बाल हाफ ड्राई तो हो ही गए हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज मेकअप। गेट मेकअप रेडी इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज माई लैक्मे CC क्रीम। मैं मेकअप बहुत ही कम और सिंपल रखना पसंद करती हूँ, जस्ट माई CC क्रीम एंड आई एम गुड टू गो। बस ये थोड़ा सा फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके लगाती हूँ, फिंगर से डैप करती हूँ एंड अच्छे से अपने फेस को कवर करती हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा पिंपल भी आ गया और उसे भी कवर करूँगी। माई सेकेंड स्टेप इज़ आईब्रो फिलर। मुझे अपनी आईब्रोज़ को डेफिनेशन देना, उन्हें ग्रूम रखना बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज आई बिलीव आईब्रोज़ प्ले अ मेजर रोल इन डिफाइनिंग एंड गिविंग शेप टू आर फेस। तो मुझे अपनी आईब्रोज़ को मेंटेन करना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड माई थर्ड स्टेप इज़ लिपस्टिक। ये लिपस्टिक मेबलिन की है, 660 शेड है, टच ऑफ स्पाइस इसका नाम है। मुझे लिपस्टिक से चीक टिंट्स लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। पहला तो ये आपका लिपस्टिक भी बन जाता है और ये चीक टिंट भी बन जाता है, एंड चीक टिंट्स ना आपके फेस को बहुत ही ड्यूई सा नेचुरल ग्लो देते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने मेकअप लगाया है या फिर आपने ब्लश लगाया है, बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। एंड आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल रेडी विद माई 3 स्टेप्स। हेयर हो गया, मेकअप हो गया, तो चलो अब रेडी भी हो जाते हैं। एंड हिल रोड जा रही हूँ तो क्यों ना वहीं के कपड़े पहने जाए। ये ट्राउज़र वहाँ की नहीं है, ये तो मैंने शिमला से लिया है मैडम स्टोर से, बट ये शर्ट जो मैंने पहनी है ये मैंने हिल रोड से ली थी। इसका साइज़ XL था, बट इसे मैंने स्टाइलिंग करके एक बेल्ट से इसे अपने साइज़ का बनाया है। आई एम ऑल रेडी। वेट, आप सोच रहे होंगे शर्ट के अलावा और क्या है हिल रोड से, तो ये बैग है ना, और इसके बाद जो फुटवेयर्स है वो भी मैंने हिल रोड से लिए हैं। एंड दिस इज माई कंप्लीट लुक। तो अब हुआ ना लुक कंप्लीट, तो अब चले बाय, मिलती हूँ आपसे। मुंबई में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए कहीं भी लंबा जाना होता है तो मैं ट्रेन या मेट्रो प्रेफर करती हूँ, वरना मैं स्कूटी से जाती हूँ। और आजकल कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मेट्रोज में, ट्रेन्स में मास्क पहनना ना भूलें। एंड मैं अपने बालों को हेयर बन में टाई कर दूँगी। एंड अब तो ट्रेन भी आ गई। हिल रोड की मार्केट इस बाटा के स्टोर से स्टार्ट होती है। हिल रोड की मार्केट एक स्ट्रीट शॉपिंग एरिया है जहां आपको बहुत सारी सस्ती चीज़ें मिल जाएगी। बस बारगेनिंग स्किल्स अच्छे हो तो और भी मज़ा आ जाएगा। इस गली से मैंने 2 बहुत ही सुंदर टॉप्स लिए थे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये वाले टॉप्स मैंने पहले भी हिल रोड से लिए हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगते हैं, तो मैंने घर पहनने के लिए इन्हें वापस ले लिया।
जब भी मैं हिल रोड आती हूँ तो इस शॉप में ज़रूर आती हूँ। इनके पास ड्रेसेस का कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है और 250 टू 350 की रेंज में सारी ड्रेसेस होती है। और यही एक शॉप है जो ऐसे ट्रायल करने देते हैं, वरना इस मार्केट में ट्रायल करना अलाउड नहीं है। और यहाँ से मैंने ये 3 ड्रेसेस ली हैं। मुझे ज्वेलरीज का ज़्यादा शौक़ नहीं है, तो बस यहाँ पे सेल थी, 50 रुपीज़ में मिल रहा था, तो मैंने एक पैर एयरिंग्स का ले लिया। और यहाँ पे बेल्ट्स थी, मुझे बेल्ट्स लेनी थी, बट मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैंने देखा फिर मैंने नहीं लिया यहाँ से कुछ भी। यहाँ ड्रेसेस 350 में ऐसे नीचे पड़ी मिल रही थी। मैंने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस ली है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बहुत सारी शॉपिंग करी है मैंने एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। कल काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था घर आते आते एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो मैं सीधा घर जा कर के सो गई थी। पर मैंने आज सोचा क्यों ना एक मिनी हॉल आप सबके साथ शेयर किया जाए। मिनी हॉल तो नहीं मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले मुझे स्ट्रीट शॉपिंग में कभी भी इतनी सारी चीज़ें नहीं मिली। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मैं इतनी सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये शॉपिंग ना 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड की है, फर्स्ट टॉप्स है, सेकंड ड्रेसेस है, थर्ड फुटवेयर्स है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं एंड एक एक करके मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ विद प्राइस एंड जितना मुझसे शूट हो पाया। मैंने शॉप्स की मतलब शॉप्स को भी कैप्चर करने की कोशिश की है ताकि कल को अगर आपको लेना हो वहाँ उसी शॉप से तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है ये 2 टॉप्स और मुझे ये दोनों बहुत ही पसंद आए थे। हिल रोड की मार्केट बाटा के स्टोर से स्टार्ट हो जाती है एंड बाटा के स्टोर के साथ ही एक शॉप थी जहाँ पे मुझे ये टॉप मिला था। वहाँ पे मुझे ये टॉप दिखा एंड मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड वहाँ पे इसका प्राइस था 300। पर जैसे जैसे मैं अंदर गई वहाँ पे ये टॉप्स मिल रहे थे 500 के 2 पीसेस एंड फिर मुझे ये दोनों पसंद आ गए। ये तो मुझे चाहिए था बिकॉज ये कलर मेरे पास पहले कभी भी नहीं था, तो मैंने एक ये और दूसरा था ये वाला। इसकी स्लीव्स और इसका फ्रंट वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पैड्स है ना अंदर से, मुझे इसके लिए सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा था कि ये पैडिंग की वजह से ये कहीं थोड़ी अजीब सा शेप ना दे, बट जब मैंने इसे घर पे ट्राई किया तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत स्मार्ट पीस है। उसके बाद है ये 4 टी शर्ट टॉप्स। कल ना मुझे पूरी मार्केट में ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा था और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे ग्रीन तो चाहिए ही चाहिए, मैं लूँगी। और ऐसा करते करते ना मैंने ऑलमोस्ट 3 ग्रीन कलर के पीसेस लिए हैं। एक तो ये ग्रीन कलर का टॉप और ये कुछ इस तरीके का लगता है। फिर है ये मल्टी प्रिंट टॉप एंड दिस पर्पल टी शर्ट। प्लेन टी शर्ट है बट इसका पर्पल कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एंड उसके बाद मैंने ली ये वाली टी शर्ट। वैसे आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ डार्क कलर्स, मुझे ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ ग्रे डार्क टोन में लिया है एंड इन सारी टी शर्ट का प्राइस 200 था। नेक्स्ट है ये घर पहनने वाले टॉप्स। अगर आपने मेरी लास्ट 6:30 AM रूटीन वाली वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उसे अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो उसमें मैंने एक येलो कलर का टॉप पहना था और मुझे कमेंट आया था कि प्लीज़ इस टॉप का लिंक आप इसमें शेयर कर दीजिए, आपने ये कहाँ से लिया है। तो ये मैंने टॉप लिया था बांद्रा हिल रोड से, तो लिंक तो मैं अटैच नहीं कर पाई। बट अभी जब मैं वापस हिल रोड गई तो मैंने ये 2 टॉप उसी टाइप के लिए, उसमें सिर्फ ये कलर वेरियंट है। समझ में ना, ये टॉप्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इनका मटेरियल बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है एंड स्लीवलेस है, तो इतना ज़्यादा गर्मी भी आपको इसमें नहीं लगेगी। और इनका प्राइस था 150 ईच। ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन वाला टॉप है, इसका प्राइस भी 150 था। ये 2 टी शर्ट टॉप्स थी जो मुझे 100 में मिल रही थी, तो मैंने ये भी ले ली।
और अब आता है टॉप्स में मेरे दो मोस्ट बजट फ्रेंडली पिक्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सरोजिनी नगर के अलावा मुझे कभी भी नहीं लगा था मुझे इतना सस्ता कुछ मिल सकता है, वो भी मुंबई में. एंड ये है दो टॉप्स जो है 50 रुपीज़ ईच, 100 रुपीज़ में दो टॉप्स मुझे मिले हैं, एंड बहुत ही अच्छे टॉप्स है. जब मैंने लिया ना मुझे ऐसा लगा यार ये क्या ही मैं ले रही हूँ, अच्छा लगेगा भी कि नहीं, इनका साइजेस इतना खुला है. अब ये देखो इस टी शर्ट में पूरा लिखा हुआ है एक्सेल, एंड मुझे जो साइज लगता है दैट इज़ एक्स्ट्रा स्मॉल, बट जब मैंने इसे पहना और इसकी स्टाइलिंग करी तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा. मैंने सोचा यार मतलब 50 रुपये में मैंने इतना अच्छा चीज़ ले लिया है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा. इसको लेकर के मैं वापस थोड़ी सी डाइसी थी क्योंकि ये पता नहीं कुछ तो अलग सा लग रहा था, ये कुछ ऐसा शाइनी सा मटेरियल था ये, बट इसे भी जब मैंने स्टाइलिंग की ना तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा. आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये 50 रुपये के हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन दो को लेकर. और अब आता है मेरी सेकेंड कैटेगरी दैट इज़ ड्रेसेस, और ये चार है मेरे बेस्ट पिक्स. और जैसे मैंने कहा कल मुझे ग्रीन कलर इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था ना कि मैंने ये दोनों ड्रेसेस ग्रीन कलर में ले ली. इस पर तो फिर भी वाइट है बट ये पूरा ग्रीन कलर है. तो ये तीन ड्रेसेस मैंने एक ही शॉप से ली है, 900 की मुझे ये तीन ड्रेसेस मिली. ये दो तो रैप ड्रेसेस हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है जब भी हम स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं ना, अगर आपको भी ड्रेसेस लेनी है और आपको साइज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो गो फॉर रैप ड्रेसेस, बिकॉज रैप ड्रेसेस में क्या रहता है ना, एक थ्रेड रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग वेस्ट तो उसकी टाइट कर ही सकते हैं, एंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो आर्म होल रहता है या शोल्डर एरिया रहता है वो रैप की वजह से शोल्डर आपके शिफ्ट हो जाते हैं, एंड आर्म होल आप वैसे ही ऑल्टरेशन में कर सकते हैं. ये जो ड्रेस थी इसका साइज़ मुझे समहाउ लग ही रहा था कि ये मेरे साइज़ में आ जाएगी, बिकॉज इसमें टैगिंग लिखी हुई थी स्मॉल की, एंड इसको देख के भी मुझे लग रहा था कि ये मेरा साइज़ है. और ये वाली ड्रेस मैंने ली थी 350 में. मैंने ट्राई किया इस एरिया को कैप्चर करने का, आई डोंट नो आपको आइडिया लग रहा होगा कि नहीं इस एरिया से, बट यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, बट मोस्ट ऑफ द साइजेस वर एक्सेल, एल और उससे भी बड़े बड़े साइजेस थे. ये वाली ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ऑब्वियसली ग्रीन कलर था, बट इसमें वेस्ट में एक थ्रेड था जिसकी वजह से मैं इसे टाइट कर सकती थी, एंड आर्म होल तो ऑल्टरेशन में मैं इसको करवा ही सकती हूँ, बट ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी. एंड नाउ कम्स माई थर्ड कैटेगरी दैट इज़ फुटवेयर, एंड मैंने लिए हैं ये दो, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के. फर्स्ट है ये फ्लैट्स, मुझे इसका कलर बहुत ही अच्छा लगा, एंड मैंने टी शर्ट तो ली थी, मैंने सोचा ये टी शर्ट के साथ भी जाएगा तो एक ये पेयर ले लेती हूँ, एंड ये था 200 रुपीज़ का. नेक्स्ट है ये रेड कलर की हील्स, वैसे ले लें तो मैं वाइट कलर की हील्स गई थी पर मुझे वाइट कलर कहीं पे भी पसंद नहीं आ रहा था, मुझे ये रेड कलर की हील्स दिखी एंड मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली, और इसका प्राइस था 350 रुपीज़. सो ये सारी चीज़ें मैंने बांद्रा हिल रोड से ली है. आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब चीज़ों में से सबसे अच्छा क्या लगा, एंड अगर आप भी बांद्रा हिल रोड गए तो आप वहाँ से क्या लेना पसंद करेंगे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड अगर कोई भी क्वेरीज़ कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है आप सभी के लिए, मुझसे जितना हो सकता है मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उन्हें रिप्लाई करती हूँ, एंड ट्राई करती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो उन कमेंट्स में जो क्वेश्चन है या क्वेरीज है उनके ऊपर बना सकूँ. सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, एंड अभी आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो या बाय, टेक केयर.